हेलो दोस्तों, मैं विनोद। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आप अपने पैन कार्ड कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो या नया क्यों ना हो, सारे पैन कार्ड आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से हम लोग अब पैन कार्ड को भी ई पैन कार्ड कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से अपने पैन कार्ड को डाउनलोड किया जाता है। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना पड़ेगा अपने पैन कार्ड का बैक साइड में कि आपने पैन कार्ड कहाँ से बनाए थे। अगर आप NSDL से बनाए थे तो NSDL का साइट से आपको अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप UTI से बनाए हैं तो आपको UTI से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइट से बनाए हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। किस तरह से पता चलेगा कि आप कहाँ से बनाए थे, देख सकते हैं एक पैन कार्ड का बैक साइड है जहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए NSDL, देखिए यहाँ पर दिया है इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट NSDL, यानी कि ये जो पैन कार्ड है NSDL का साइट से बनाया गया है, तो मुझे ये NSDL का साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं NSDL का डाउनलोड ई पैन कार्ड साइट में आ गया हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अब आपको यहाँ करना क्या है, देखिए यहाँ पर पैन नंबर डालना है। मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। पैन नंबर आप अपना डालिए, उसके बाद आधार नंबर आपको डालना है ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए, उसके बाद आपको कंसर्न पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा जो है, उस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर टाइप करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पर आपके पैन कार्ड का सारा डिटेल्स आ जाएगा, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस आप OTP किस पे डालना चाहते हैं, ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर या बोथ पर। अगर आपको ईमेल आईडी पर मोबाइल OTP लाना है तो ईमेल आईडी पर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका OTP आपके मोबाइल पर आए तो मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं दोनों पर आपका OTP आए तो बोथ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आई हेयर कंफर्म जो है कंसर्न बॉक्स, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं अपना OTP मोबाइल नंबर पर चाहता हूं, तो मैंने मोबाइल नंबर पर क्लिक किया है। उसके बाद आई कंसर्न पर यहां पर मैंने क्लिक किया है, बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। OTP का वैलिडेट 10 मिनट्स का रहेगा। यहाँ पर आप अपना इंटर OTP, आप अपना OTP नंबर यहाँ डालिए, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा डाउनलोड ई पैन कार्ड। देखिए, योर फ्री ई पैन डाउनलोड अटेम्प्ट इज एग्जॉस्टेड, योर मे बी प्रोसेस विद द पेड फंक्शनली, यानी कि मेरा जो फ्री का जो ई पैन कार्ड डाउनलोड का जो था वो ख़त्म हो चुका है। मुझे अगर डाउनलोड ई पैन कार्ड डाउनलोड करना है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ता है, ये 8 रुपीज़ 26 पैसा आपको ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप पैन कार्ड बनाने के 30 दिन के भीतर में अगर ई पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आप अपना पुराना पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको 8 रुपीज़ 26 पैसा लगेगा। तो मेरा ये पुराना पैन कार्ड है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो पैन कार्ड जो फ्री ई पैन कार्ड डाउनलोड का है वो ख़त्म हो गया है। कंटिन्यू डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू विथ पेड ई पैन डाउनलोड फैसिलिटी पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मोड ऑफ पेमेंट में आ जाएगा। यहाँ दो तरह का ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं 8 रुपीज़ 26 पैसे, या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, जिससे आप चाहे आप अपना पेमेंट करके पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर से ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क चूज किया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विसेज पर क्लिक करना है। इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए। करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पे कंफर्म पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पेमेंट गेटवे दिखाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश और UPI, जिससे आप चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। उदाहरण का तौर से मैंने क्रेडिट कार्ड पर क्लिक किया है। उसके बाद आप अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके पास OTP आएगा 8 रुपीज़ 26 पैसा का। आप OTP के यहाँ डालिएगा, डालते ही आपका ई पैन डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आप अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पर रख सकते हैं, प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। ये आपका वैलिडिटी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आप इसको दिखाकर अपना पैन कार्ड का काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपना UTI वेबसाइट से भी पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अगर UTI से बनाए होंगे। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इंस्टेंट पैन कार्ड बनाए होंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइट से आपको इसी तरह से फॉलो करके अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे NSDL का, UTI का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मैंने वहां पर डाल दिया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।